नमस्कार साथियों, आज हम समाज और धर्म के आपसी संबंध पर आगे चर्चा करते हैं। आज हम जानेंगे कि जर्मनी के प्रसिद्ध विचारक कार्ल मार्क्स के धर्म संबंधी क्या विचार रहे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो यह है कि मार्क्स जो है वो पूर्णतः नास्तिक या निरीश्वरवादी थे, और उनके अनुसार इस सृष्टि में कुछ भी ऐसा नहीं है जो भौतिक न हो। कार्ल मार्क्स धर्म के सामाजिक पक्ष को अत्यधिक महत्व देते थे, यानी कि उनके अनुसार धर्म जो है वह एक समाज का उप उत्पाद है, यानी वो समाज के द्वारा उत्पन्न हुआ है। वह किसी लौकिक, पारलौकिक या दैवीय शक्ति की उत्पत्ति नहीं है। तो ये उनका बेस है पूरे धर्म संबंधी विचार का, कि इस संपूर्ण सृष्टि का जो मूल तत्व है वह भौतिक पदार्थ है, न कि कोई आध्यात्मिक पदार्थ। धर्म के विरुद्ध कार्ल मार्क्स की जो प्रमुख आपत्ति है वो यह है कि धर्म मजदूर वर्ग या श्रमिक वर्ग को अपने कष्टों, दुखों और दयनीय स्थिति को सहने और उसी में सदैव संतुष्ट रहने के लिए प्रेरित करता है। यानी धर्म यह सिखाता है कि आप जिस दयनीय या गरीबी की स्थिति में हो, आप उसमें संतुष्ट रहिए। एक संतोष की भावना देने का प्रयास धर्म करता है, और कार्ल मार्क्स को इससे बड़ी घोर आपत्ति है कि यह किसी भी व्यक्ति को अपनी स्थितियों में ही संतुष्ट रहने की प्रेरणा देता है। इसलिए मार्क्स ने कहा था कि धर्म निर्धन की अफीम है, यानी कि निर्धनता को भुलाने के लिए उन्हें एक अफीम दी जाती है कि आप जैसे हो, जिस स्थिति में हो, बस मस्त रहो, संतुष्ट रहो। इसलिए मार्क्स ने धर्म को निर्धन की अफीम कहा है, क्योंकि मार्क्स ये मानते हैं कि धर्म की उत्पत्ति न तो किसी दिव्य प्रेरणा से हुई है और न ही मानव में ऐसी कोई स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह धार्मिक हो ही। उनके अनुसार तो धर्म की उत्पत्ति के जो मूल कारण हैं वो है व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ। व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वहाँ धर्म के लिए स्थान बन जाता है। यह कोई ऊपर से अवतरित कोई शक्ति नहीं है, ये ऊपर से अवतरित कोई नैतिकता नहीं है, यह समाज और व्यक्ति की आर्थिक परिस्थितियों से उपजी एक घटना है। मानव तुरंत निरंतर विकास करता जा रहा है, और इस विकास के लंबे समय में मनुष्य ने जो जो परिस्थितियां सहन की, जो जो दुख सहे, उसी के कारण धर्म की उत्पत्ति हो पाई। क्योंकि आरंभिक वक्त हो चाहे वर्तमान वक्त हो, व्यक्ति को काफ़ी तकलीफें, काफ़ी संघर्ष और अत्यधिक कष्ट सहन करने होते हैं। हर युग की अपनी कठिनाइयां होती हैं, हर युग की अपनी चुनौतियां होती हैं, और व्यक्ति को सदैव प्रत्येक दिन उन चुनौतियों, उन कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है। अब उन कठिनाइयों, उन चुनौतियों को सहन करने के लिए कुछ बफर चाहिए,
तो उनकी तीव्रता को सहन करने के लिए, उनकी तीव्रता को कम करने के लिए मनुष्य ने कई देवी देवताओं की कल्पना की कि यदि आप को धन की समस्या है तो इस देवता की पूजा कीजिए, आपको यदि ये समस्या है तो इसकी पूजा कीजिए। तो जो भी कष्ट मानव पाता चला गया उनको सहन करने के लिए, उनकी तीव्रता को कम करने के लिए उसने देवी देवताओं से प्रार्थना आरंभ की। तो पहले देवता गढ़े, फिर स्तुतियां गढ़ी गई और फिर वो पूजा और उपासना का कार्य शुरू हुआ। इसलिए मार्क्स ने कहा कि मनुष्य ही धर्म को बनाता है, धर्म मनुष्य को नहीं बनाता। अब धर्म की समाज में क्या भूमिका है, मार्क्स इस पर दो दृष्टिकोण से विचार करते हैं, क्योंकि मार्क्स ने पूरे जगत को दो हिस्सों में बांटा, एक श्रमिक वर्ग और एक धनी वर्ग। तो उन्हें श्रमिक वर्ग और धनी वर्ग के दृष्टिकोण से इस धर्म की भूमिका के ऊपर विचार किया है। अब यदि हम श्रमिक वर्ग के दृष्टिकोण से देखें तो मार्क्स धर्म को एक बहुत ही हानिकारक और बुरी वस्तु मानते हैं। उनके अनुसार ये मजदूर वर्ग के लिए बहुत बुरी है, लेकिन धनी वर्ग के लिए धर्म बहुत ही लाभदायक और सहायक है, क्योंकि धनी वर्ग सदैव धर्म के द्वारा, धर्म की सहायता से समाज पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। अब इसके समर्थन में कि किस प्रकार धनी वर्ग समाज पर अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए धर्म की सहायता लेता है, तो कुछ तर्क देते हैं। इससे पहला है कि जो निर्धन इस संसार में बिना धन के कष्ट पा रहा होता है, वो कहीं संघर्ष को उतारू ना हो जाए, इसके लिए धनी वर्ग उसे समझाते हैं कि तुम्हें स्वर्ग में सुख मिलेंगे, इन सुखों को छोड़ो, उस संसार को जानने का प्रयास करो, उस संसार में जाने का प्रयास करो जिसे उसने स्वर्ग कहा है, और जहां पे दुखों का कोई नामो निशान नहीं है, वहां केवल सुख है। और ऐसा कहकर लोगों को विद्रोह करने के लिए, लोगों को संघर्ष करने के लिए रोका जाता है। फिर समाज में जो ऊंच नीच, अमीर गरीब, कुलीन अकुलीन, उन सब को एक न्याय संगत व्यवस्था देने के लिए, उसको एकदम ठीक बताने के लिए उसे एक ईश्वरीय नियम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि आप अगर निम्न वर्ग में हो तो उसके कारण ईश्वरीय कारण है और ये ईश्वर के नियम से है, और इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को एक नियम के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर वो कहते हैं कि श्रमिक वर्ग में गरीबों को दासता के गुण उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है और उन्हें धनी वर्ग के प्रति विरोध न करने के लिए सिखाया जाता है। धर्मगुरु सदैव ये कहते हैं कि राजा जो है वो ईश्वर का रूप है, ये सभी धर्मों में सभी स्थानों पे हमें देखने को मिलता है, और प्रत्येक व्यक्ति को जो दुख मिल रहे हैं वो कहते हैं कि आपके द्वारा जो पुण्य किए गए, आपके द्वारा जो कर्म किए गए, उन्हीं के कारण आपको सुख या दुख मिलते हैं। तो अभी जो आप पा रहे हो वो आपके पिछले कार्यों का फल है, तो आप इसमें संतुष्ट रहें, ये आपका ही किया है कि आप दुख पा रहे हैं। और धनी वर्ग श्रमिक वर्ग को यह विश्वास दिला देता है कि
कि उस पर जो शोषण, उस पर जो अन्याय हो रहा है वो उचित है, न्यायपूर्ण है, नियमबद्ध है। अब बात करते हैं मार्क्स धर्म के अंत की। मार्क्स ये मानते हैं कि केवल आलोचनाएं करने से धर्म का अंत संभव नहीं है। धर्म की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से धर्म का अंत होगा, क्योंकि जिन परिस्थितियों से उत्पन्न हुआ है उन परिस्थितियों को समाप्त करना होगा। इसलिए हमें समाज में पूंजीवाद को हटाकर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना